So, Kelas and Strawberries, welcome back to a new video. हाँ वीडियो, क्योंकि ये वो डेली कॉलेज और हॉस्टल लाइफ वाला व्लॉग नहीं है। आज मैं करूंगा अपने कॉलेज बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस का कैंपस टूर। हर जगह से ही आ रहा था कैंपस टूर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आज बना देते हैं कैंपस टूर। तो कैंपस टूर की शुरुआत करते हैं मेन गेट से। तो इसके चारों तरफ कई रास्ते हैं। पहला रास्ता जाता है RNT, रोड नॉट टेकन, कपल्स का अड्डा। वो है एकेडमिक ब्लॉक। वो तुम्हें सिर्फ 10 दिन पसंद आएगी, इसीलिए मैं उसे अभी नहीं दिखा रहा। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे उस चीज के बारे में। फिर ये पैरेलल तीन रास्ते हैं, ये आने वाला, ये जाने वाला और ये लवर्स लेन। इस रास्ते पे जाएंगे तो हमें मिलेगा फिलोसोफर स्टोन। और यहाँ सबने अपने हथेलियां छाप रखी हैं। ये जरूर लड़कियों की होगी क्योंकि ये बहुत छोटी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और ये लड़कों के होंगे क्योंकि ये हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, बिल्कुल मेरे चैनल की तरह। और वो दो पैरेलल गलियों के बगल में ये गली है। ये गली सीधा जाती है हमारे हॉस्टल्स के मेन गेट की तरफ और इस गली को बोलते हैं लवर्स लेन। तो इस गली के समाप्त होते होते हमें दो हॉस्टल्स दिख जाते हैं। पहला वाल्मीकि, ताजा ताजा आए नन्हे मुन्ने बच्चों का हॉस्टल, यानी कि हम फ्रेशर्स का घर है ये। दूसरा विश्वकर्मा, आज से 365 दिन पहले जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे उनका हॉस्टल। और इन हॉस्टल्स के बीच में ये रास्ता, यहाँ से सीधा सीधा जाओगे तो तुम्हें मिलेगी मेस। ये है मेस 2 और जो सीनियर्स के हॉस्टल के पास है वो है मेस 1। भाई ये मेस के सामने ईटरी शॉप्स हैं, यहाँ पर कोई भी कुछ भी खा सकता है, समोसे, पिज्जा, सैंडविच, हर चीज मिलती है यहाँ पर। जिसको भी बाहर पार्टी करनी है वो सारा सामान यहाँ मिलता है, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, सारी चीजें मिलती हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत महंगी भी नहीं है पर बहुत सस्ती भी नहीं है, ओके रेट है। भाई ये है शंकर भवन, थर्ड ईयर वालों का हॉस्टल है। हम वैसे ही गुफे जा रहे हैं, हमें अलाउड है या नहीं वो तो मेरे को पता नहीं, पर ये थर्ड ईयर का हॉस्टल है शंकर। और वो है व्यास, वो भी थर्ड ईयर है उसमें भी। और भाई सीनियर्स के हॉस्टल में बढ़िया बढ़िया मशीनें लगी हुई हैं, हमारे हॉस्टल में इन्होंने कुछ नहीं लगा रखा, सिर्फ खाली हॉस्टल है, बाथरूम ऐसा है। इनके हॉस्टल में मशीनें लगी हुई हैं, उसमें से चिप्स कुरकुरे सब निकाल सकते हैं, पैसे दे के निकलेंगे भाई, फ्री में कुछ नहीं निकलता। डेयरी मिल्क 5-star, मूंग दाल, दालें, चिप्स, नमकीन सब कुछ मिलता है भाई यहाँ पर, सीनियर्स की मौज है। और ये है मेस 2। तो मेस 2 वो वाली मेस है जो हमारे हॉस्टल के पास है, यानी कि वाल्मीकि के पास। जो वाल्मीकि अभी तुम्हें दिखाया ना लवर लेन में, वही वाल्मीकि के पास। और ये अभी बंद है क्योंकि सुबह के 7 बज रहे हैं और इसकी टाइमिंग है 7:30 से 9:30, 12 से 2 और रात को 7:30 से 9:30। तो अभी ये बंद है क्योंकि 7 बजे सुबह सुबह उठ के सनराइज के चक्कर में हम कैंपस टूर बनाने आए थे। तो कैंपस में जो मैं तुम्हें सुबह नहीं दिखा पाया था वो है ईट्रीज शॉप। कैंपस पे जगह जगह पे ये शॉप्स हैं, जैसे कि मेस 2 के सामने, मेस 1 के सामने, CP के साइड में, एकेडमिक ब्लॉक में। तो खाने की तो कोई कमी नहीं होने वाली तुम्हें, पर पैसों की हो सकती है, तो देख के खर्चना। अब जैसे ये मेस 2 के सामने जो शॉप्स, ये वाली शॉप सैंडविच के लिए बहुत बढ़िया है और ये वाली शॉप बर्गर पिज्जा के लिए। तो CP के साइड में 3 दुकानें हैं। पहली पेट भरने वाली अंकल जी की देसी दुकान, दूसरी मैगी चाय कॉफी के लिए हॉटस्पॉट कॉर्नर, और तीसरी ठंडी आइसक्रीम के लिए अमूल। तो मेस 1 के सामने है यम्पीज, चिपोट खुले और थिक शेक। थिक शेक में मिलता है गाढ़ा सफेद रस जो तुम्हें भी पता है तुम्हारे पास नहीं है। और कबड्डी ग्राउंड के बिल्कुल इस तरफ है वॉलीबॉल कोर्ट, दो बड़ी बड़ी कुर्सियों वाला और दो बड़े बड़े नेट वाला। एक कोच यहाँ से बोलेगा, एक कोच वहाँ से बोलेगा। कोच ऐसा बोलता है क्या पागल? वहाँ से एक वॉलीबॉल इसके पास आएगी, ये यहाँ से वॉलीबॉल इसको पकड़ाएगा। वो कबड्डी, ये वॉलीबॉल। फुटबॉल हॉकी तो पहले ही बता दिया मैंने तुम्हें। भाई का फोटो लेंगे ना, भाई कुर्सा पे बैठा है, इतना बड़ा कुर्सा है। मैं भी कुर्सी पे चढ़ के दिखाता हूँ भाई कितनी ऊंची है। इसके बाद तो पूरा कैंपस यहीं से दिख जाएगा, सनराइज यहीं से देखते हम। और बहुत ऊपर आ गए भाई, मैं उतर जाता हूँ भाई, मरना नहीं है कैंपस का टूर बनाते बनाते मेरे को। पूरा वॉलीबॉल ग्राउंड ऐसा दिखता है। हॉस्टल के अंदर भी लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, वो जो सैंड वाला उसपे, लेकिन प्रोफेशनल वाला वॉलीबॉल यहाँ खेलते हैं बच्चे। भाई कैंपस टूर तो देख रहे हो पर कैंपस लाइफ देखा करो, रात से सोए नहीं है ये लौंडे, लाश की तरह चल रहे हैं बस रोडों पे। मैं तो सोया हूँ। तेरी मम्मी को फोन कर, कैंपस टूर तो देख लिया लेकिन कैंपस लाइफ रोज व्लॉग में देखा करो, ठीक है। भाई ये है ओल्ड फुटबॉल ग्राउंड, वैसे ओल्ड ही है पूरा। इस फुटबॉल ग्राउंड की धरती जमीन सब टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, प्लेटलेट्स बाहर निकल आई है इसकी। और वो है हॉकी, मतलब ये पूरा बस मैदान है, इसमें कोई कुछ भी खेल लेता है। जो न्यू और प्रोफेशनल वाला है वो उस तरफ है, उस पे भी चलते हैं अभी। तो वॉलीबॉल ग्राउंड के साइड से निकलते हुए
यहाँ फिर तीन रास्ते आते हैं। ये जाता है मैस वन की तरफ, ये जाता है सीपी की तरफ, और ये जाता है सैक की तरफ। सैक मतलब स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर, वहाँ पर है जिम और बाकी सारे स्पोर्ट्स जो इंडोर स्पोर्ट्स है वो सारे सैक में। सीपी मतलब कनॉट प्लेस, असली वाला नहीं सस्ता वाला। और सीपी के बगल में है ये दवा खाना। तो तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि शरीर में गुड़गुड़ हो रही है तो हॉस्टल में से फोन मिलाओ, एक एम्बुलेंस टू 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 करती हुई आएगी और तुम्हें यहाँ पटक देगी। और उसके बाद क्या होता है वो मैं नहीं जानता क्योंकि आई एम स्ट्रांग। सीपी के अंदर बहुत दुकानें हैं, बैंक है, इसमें डाका डालना मना है। बैंक से थोड़ा इस तरफ आओगे तो फ्रूट शॉप मिलेगी, यहाँ हर प्रकार की फल सब्जी सब है। हॉस्टल में बैठ के किसी को खाना पकाना है तो वो भी कर सकते हैं। और ये सबकी मोस्ट फेवरेट दुकान है क्योंकि यहाँ वो सब मिलता है जो एक जवान मुस्टंडे को चाहिए। ये सब है, वाइट चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, कौन से फ्लेवर हैं, सब अलग अलग सारी चीजें हैं, बिस्किट है, नमकीन है, जो चाहिए वो सब मिलेगा। डॉग फूड भी है अगर किसी को चाहिए तो। और यहाँ आने के बाद पैसे खर्च होने गारंटी है, जैसे मैं अभी ये लेके जा रहा हूँ। और भाई सीपी आऊं और कुछ खरीदूं ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अपनी डार्क थॉट्स के लिए डार्क फैंटेसी से बाहर निकल के दूसरा रोड आता है और इधर है मालवीय भवन, तुम्हारी बहनों का घर, ठीक है। और मालवीय भवन के बिल्कुल सामने है सैक और बास्केटबॉल और टेनिस का कोर्ट। इस तरफ है नया वाला फुटबॉल ग्राउंड और नया वाला इतना बड़ा है कि वाइड एंगल में भी नहीं आ पा रहा। और वहाँ पर स्विमिंग पूल भी है जो भगवान की कृपा से अब चालू हो चुका है, सुबह शाम पानी में छपा छप करने जा सकते हैं। तो सैक के अंदर घुसते ही जिम दिखेगा तुम्हें खिड़की से, इधर पूल है और सैक के ग्राउंड फ्लोर पे तुम चारों तरफ घूमोगे तुम्हें दिखेगा, तुम्हें दिखेगा बीच में लटकती एक बड़ी सी मतलब वही पंचिंग बैग, इसकी तो फिरंगी बना दी मैंने, चक्री की तरह घूम रहा है। और ये है जिम, और मेरे को पता है तुम्हारे बस का नहीं है क्योंकि वजन उठाने में तो तुम्हारी बुंड फट जानी है। और अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं और ऊपर नहीं चढ़ रहा, एक फ्लोर ऊपर देख लो तुम क्या है, जैसे वहाँ पर कह रहा मैं बस यही सब है। और मालविया के बिल्कुल बगल में है RNT रोड नॉट टेकन, कपल्स का अड्डा। तो घूम फिर के हम फिर से वहीं पहुंच गए हैं, वो रही मेस वन जिसमें सो कोल्ड खाने का टेस्ट मेस टू से बेटर है। और यहाँ से लेफ्ट लेके अकेडमिक ब्लॉक पहुंचे मैं और मेरे यार। अच्छा है राइमिंग वाइमिंग तो ठीक है, पर ये जितना खूबसूरत बाहर से दिखता है ना, अंदर से मंजर उतना ही भयानक है। मैं तुम्हें अपने पहले 10 दिन की स्टोरी बताता हूँ। पहले 5 दिन तो मैं यही ढूंढता रहेगा भाई कौन सी क्लास का रास्ता कहाँ से होके निकलता है, क्योंकि अंदर ऐसी भूलभुलैया है, ऐसी भूलभुलैया है, कहना जब तक मैं समझाऊंगा नहीं ना तब तक किसी के समझ में नहीं आने की। और अगले 5 दिन मैं लेक्चर्स ले लेके थक गया, तो 10 दिन बाद तुम भी यही कहोगे वो क्या ही सुंदरता है, पूरे कैंपस में अपने हॉस्टल से बढ़िया थोड़ी सुंदर कोई चीज मिलेगी। तो सबसे पहले ये है कैंपस की आन बान शान ऑडिटोरियम, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। पर मेरे मन में इसके लिए इज्जत उस वजह से नहीं है, इज्जत इसीलिए है क्योंकि ऑडिटोरियम का एक फैक्ट बताता हूँ। जब जब ये ऑडिटोरियम ऑन होता है तो 1 घंटे के लिए इसको चलाने के लिए 3 लाख रुपए लगते हैं, तो देख रहे हो ना फीस कहाँ जा रही है। और फिर है कैफेटेरिया, जो लौंडे रात दिन बैठ के पढ़ रहे हैं वो यहाँ से अपना पेट भरते हैं, जैसे मैं सारे दिन यहाँ पढ़ रहा था और बिस्किट खरीद के अपना पेट भर रहा हूँ। भाई साहब एकेडमिक टूर करते करते रात होने को आई है और मेरे को अभी याद आया मैं कितने दिनों से क्लास अटेंड नहीं कर रहा, पर फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाई वो है लाइब्रेरी, तो मैं तो वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास जाते ही मेरे को एलर्जी शुरू हो जाती है, और ज्यादा देर एकेडमिक ब्लॉक में रुकने से भी मेरे को एलर्जी हो जाती है, तो मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, बहुत हो गया कैंपस टूर। और हाँ एकेडमिक ब्लॉक के रास्ते में रॉक गार्डन पड़ता है और ये झरना भी, मैंने अथॉरिटी को पहले ही बता दिया था भाई झरना चालू कर देना, कैंपस टूर बना रहा हूँ, अपनी इज्जत रखवानी हो तो झरना पहले ही चालू कर देना। तो भाई के डर से उन्होंने पहले ही सब चालू करके रखा है। तो अगर तुम कैंपस की पहाड़ियों से उतरते हुए यहाँ तक पहुँचोगे और इस रोड से बिल्कुल सीधा सीधा जाओगे तो तुम वापस मेन गेट पे पहुँच जाओगे। तो कैंपस टूर जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर खत्म होता है, और अब किसी चमन ने लिखा कैंपस टूर कैंपस टूर कैंपस टूर कैंपस टूर, तो उसके ऐसा रैप्टा मारूंगा कि ये वीडियो वो कभी भूलने वाला नहीं है फिर। तो इसी के साथ अगर तुम्हें वो कंटेंट देखना हो जो पूरे YouTube पे सिर्फ मेरे चैनल पे है, यानी कि कॉलेज और हॉस्टल लाइफ के मस्ती से भरे हुए डेली व्लॉग्स, तो सब्सक्राइब कर दो। गुड नाइट।